उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत भरभराकर अचानक गिर गई। घटना के वक्त बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था। अब तक किसी की मौत की खबर तो नहीं है, लेकिन कई लोगों के मलबे में होने की आशंका है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोग फंसे हुए हैं। बारिश के कारण बिल्डिंग गिरने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों, SDRF और NDRF की टीमों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। इस हादसे में एक ट्रक भी चपेट में आया है और बिल्डिंग के मलबे में ट्रक भी दब गया है। इस हादसे के बाद रेस्क्यू कर रही टीम ने अब तक 13 लोगों को बिल्डिंग से निकाल लिया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। मिल रही शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग दवाई कंपनी की थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में काम चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग के भीतर कई लोग मौजूद थे। अचानक बिल्डिंग गिरी तो लोग उसी में फंस गए। घटना के बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया।